क्या आप दुबले पतले हो चुके हैं कि आपको खाया पिया लगता नहीं है? क्या आपके मोटे गाल पिचक चुके हैं, पिचके हो चुके हैं? क्या आपको बहुत कमज़ोरी हो चुकी है, वज़न घटने लगा है और आपका चेहरा मुरझा गया है, आंखों के चारों तरफ डार्क सर्कल हो चुके हैं, स्याह हल्के पड़ चुके हैं, आंखें अंदर धंस चुकी हैं, कमज़ोरी की वजह से स्किन की चमक ख़त्म हो चुकी है, काम करने को आपका बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता, हर वक्त जिस्म थका थका और सुस्त महसूस होता है, चिड़चिड़ापन रहता है, तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ये तमाम प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो आपको 100% हमारे इसी वीडियो में मिलेगा। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही आसान और बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जो आपकी इन तमाम प्रॉब्लम को जड़ से ठीक करेगा। इनफैक्ट ये इतना इफ़ेक्टिव नुस्खा है कि इसको इस्तेमाल करने के 3 दिन में, मतलब 3 दिन के बाद, बल्कि 3 दिन के अंदर आप महसूस करोगे कि आपने जो बहुत ज़बरदस्त चेंज दिखाई देने लगेगा। इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको कुछ ड्राई फ्रूट की ज़रूरत होगी। सर्दियों का सीज़न स्टार्ट है, ड्राई फ्रूट खाने का, जैसे आप कह लो मौसम आ चुका है, बहुत सारे लोग खाते होंगे, तो मैं इसी तरह आज आपको बताऊंगी कि आप कौन से मेवे इस्तेमाल करेंगे, कौन से ड्राई फ्रूट इस्तेमाल करेंगे जिससे आपकी ये प्रॉब्लम्स ठीक हो सकती हैं। सलाम वालेकुम, अनम होम रेमेडी चैनल में बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ सब लोग अल्लाह तबारक ताला की रहमत से खैर व आफियत से होंगे। मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, आज की इस वीडियो में जो सबसे पहला आपको ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करना है वो है अखरोट। अखरोट एक बहुत ज़बरदस्त ये ड्राई फ्रूट होता है जिसमें बहुत मिकदार में मिनरल्स, बहुत ज़्यादा मिकदार में विटामिन्स पाए जाते हैं, बहुत सारे प्रोटीन्स पाए जाते हैं, डाइट्री फाइबर और ओमेगा 3 फैटी एसिड जिसकी हमें बहुत ज़रूरत होती है। ये सब हेल्दी फैट्स पाए जाते हैं क्योंकि ये हमारे जिस्म को सेहतमंद बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है, बीमारियों से बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको इस नुस्खे को, इस रेमेडी को बनाने के लिए तकरीबन 3 से 4 साबुत अखरोट ले लीजिए। आपने अखरोट की गिरियां नहीं लानी बल्कि अखरोट लाकर ख़ुद तोड़कर गिरियां निकालनी हैं, उनको लाकर निकाल लीजिए, रख लीजिए। दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए वो है बादाम। बहुत ज़बरदस्त न्यूट्रिशन से भरा ड्राई फ्रूट है जो आपकी बॉडी को, जिस्म को सर से लेकर पांव तक फ़ायदा पहुंचाता है। बादाम ना सिर्फ आपके जिस्म की ताकत को बढ़ाता है बल्कि आपके दिमाग को तेज़ करता है, मेमोरी को इन्हेंस करता है, नसों को मज़बूत बनाता है, आपके जिस्म में जो बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको कम करने का काम करता है, आपके जो जोड़ों में, पट्ठों में जो तकलीफ़ होती है, दर्द होती है उसको ठीक करता है, आपकी स्किन को हेल्दी बनाता है। आपको इस रेमेडी को बनाने के लिए तकरीबन 10 बादाम चाहिए होंगे। अगर आपको कश्मीरी बादाम मिल जाए, छोटे साइज़ के देसी बादाम मिल जाए तो बहुत ही अच्छे हैं। आपने बादाम लाकर ख़ुद तोड़ने हैं, किसी चीज़ की निकली हुई गिरियां सीड्स नहीं लाने, ठीक है। तो तीसरी चीज़ जो आपको इस रेमेडी को बनाने के लिए चाहिए वो है किशमिश। जी हाँ, किशमिश बहुत फ़ायदेमंद है, इससे आपकी दिमागी कमज़ोरी ठीक होती है और आपकी याददाश्त का मसला है वो ठीक होता है। अगर आप चीज़ों को रख के भूल जाते हैं या कोई भी बात भूल जाते हैं तो उसके लिए किशमिश, अखरोट और ओबियसली बादाम बेहद फ़ायदेमंद चीज़ है। अगर आपको किशमिश नहीं मिलते तो आप उसकी जगह मुनक्का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मुनक्का लेते हैं तो आप इस बात को यकीन दहानी रखिएगा कि मुनक्का के आपको बीज निकाल कर इसको इस्तेमाल करना होगा। मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, अगर आप लोग किशमिश का इस्तेमाल करते हो तो आपके जिस्म में ताकत बढ़ती है क्योंकि इसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो बहुत तेज़ी के साथ हमारे जिस्म में एब्सॉर्ब होते हैं और इसको खाते ही हमारे जिस्म में ताकत का एहसास होता है। इसके अलावा किशमिश में बहुत ज़्यादा मिकदार में मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिंस पाए जाते हैं जो आपके बॉडी को ताकत प्रोवाइड करते हैं। इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको 2 चाय के चम्मच किशमिश चाहिए होगी और किशमिश अच्छी क्वालिटी का लीजिएगा। इसमें बहुत सारी वैरायटी होती हैं, जो हरे रंग की किशमिश होती है बड़े साइज़ की, ये बेस्ट होती है, तो अगर आपको ये मिल जाए तो इसको ले लीजिएगा। हाँ, ये प्राइस में आपको शायद थोड़ी महंगी मिले लेकिन क्वालिटी भी कंप्रोमाइज़ मत कीजिएगा। मोहतरम ख़वातीनों हज़रात, ये तीनों ही ड्राई फ्रूट आपके जिस्म में कमज़ोरी को दूर करने के लिए, आपकी एनर्जी को बढ़ाने के लिए, आपकी दिमागी कमज़ोरी को दूर करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होते हैं।
इनको आप अलग अलग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जो फार्मूला हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं तो इस फार्मूले के ज़रिए अगर आप इसको इस्तेमाल करते हो, वैसे तो आप लोग ड्राई फ्रूट खाते होगे, अखरोट खाते होगे, बादाम खाते होगे, हो सकता है साथ में किशमिश का भी इस्तेमाल करते हों अलग अलग से, लेकिन अगर आप इस फार्मूले को जैसे हम आपको बता रहे हैं इकट्ठा मिला कर यूज़ कर लेते हो तो यकीनन आपको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदे मिलेंगे। इससे बहुत ही आपको बहुत ही ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, इसके फ़ायदे कई गुना बढ़ जाते हैं। इसको बनाने के लिए आपको करना क्या है, आप अखरोट ले लीजिए 3 से 4, उनकी गिरी निकाल लीजिए, इसके साथ 10 बादाम ले लीजिए, 8 ले लीजिए, 12 ले लीजिए, इनको भी आप ले लीजिए और इसमें मिक्स कर लीजिए, अखरोट की गिरियों के साथ मिला लीजिए। इसके साथ 2 चाय के चम्मच आप ले लीजिए किशमिश। इन तीनों चीज़ों को आप रात को सोते हुए 1 कटोरी पानी लें, उसमें भिगो कर रख दीजिए। सुबह जब आप उठते हैं तो आप इन तीनों चीज़ों को पानी से निकालिए और इसको कूट लीजिए, ठीक है। तो क्योंकि ये पीसेगा नहीं, इसका पाउडर नहीं बनने वाला, क्योंकि आपने इसको रात में भिगोया है ना, तो पाउडर नहीं बनेगा बल्कि इसका पेस्ट टाइप बन जाएगा। तो सिलवट्टे का इस्तेमाल कर लीजिए या आप इसको थोड़ा जैसे भी पीस लीजिएगा, ग्राइंड कर लीजिएगा। अब इन तीनों चीज़ों को पीसने के बाद आपको करना क्या है, 1 गिलास दूध लेना है और इस 1 गिलास दूध को आप किसी बर्तन में डालकर उबाल लीजिएगा। जब दूध में उबाल आने लगे तो इन तीनों चीज़ों को जिसे आपने कूटा है ड्राई फ्रूट की शक्ल में, इनको लेकर इस दूध में मिला लीजिएगा और फिर इसे 3 से 4 बॉयल अच्छी तरह से आने दीजिएगा ताकि इन चीज़ों की हिफाजत दूध में निकल आए। जब इसमें 3-4 बॉयल आ जाएँ तो उसको वापस गिलास में डालिए और उसमें 1 चाय का चम्मच शहद मिठास के लिए या आधा चाय का चम्मच आप मिश्री धागे वाली होनी चाहिए, उसको पीसकर पाउडर बना लीजिए, तो आधा चाय का चम्मच मिश्री इसमें मिला लीजिए। तो अगर आप डायबिटिक हैं, अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम है तो आप इसमें ना तो शहद मिलाइएगा और ना ही मिश्री मिलाइएगा। इस दूध को आप सुबह अगर नाश्ते में इस्तेमाल कर लेते हैं, सुबह जब आप उठते हैं तो इस दूध को इस्तेमाल कर लेते हैं तो सारा दिन आपके जिस्म में आपको एनर्जी महसूस होगी और आपको एक अच्छी फीलिंग आएगी, जैसे आप माशाल्लाह से हेल्दी हो और चुस्त हो, और आप इसके यूज़ से आपको अगर जो वज़न कम होता चला जा रहा है, गाल पिचक चुके हैं उसमें भी फ़ायदा होगा, वज़न भी गेन होना शुरू हो जाएगा, पिच के गाल भी भरना शुरू हो जाएंगे और आप खूबसूरत नज़र आएंगे, आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी, आपकी जो नसें हैं वो भी मजबूत होंगी, आपके पट्टे मजबूत हो जाएंगे और आपके बालों के लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है। आपके जिस्म में इंशाल्लाह इससे खून भी बनेगा तो जिससे ऑटोमेटिकली आपके चेहरे का ग्लो बढ़ेगा। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि ये एक अभी ये बात करते हुए मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया कि शायद आप लोग ये सोचो कि ये जो ड्रिंक है ये आपको मोटा बना सकती है, जो लोग ऑलरेडी हेल्दी हैं, मोटे हैं, जो कोशिश कर रहे हैं वज़न को कम करने के लिए, तो हो सकता है कि वो लोग ये सोचे कि ये तो हमें मोटा बना देगी, तो आपकी ये ख्यालात बिल्कुल गर्म हैं, बिल्कुल गलत हैं। ये वो रेमेडी है जो आपको हेल्दी बनाती है, ना कि आपके जिस्म में फैट इससे जमा होते हैं और आप मोटे होते हो। ये वो रेमेडी है, ये वो ड्रिंक है जिससे आप में कमज़ोरी दूर होती है, आपके फैट को नहीं बढ़ाता बल्कि आपके बोन डेंसिटी को बढ़ाता है, आपके मसल्स में जो कमज़ोरी हो चुकी है उसको बढ़ता है, आपके पट्ठों को मजबूत बनाता है, एक हेल्दी तरीके से आपको ये हेल्दी बनाता है। इसमें आपका जो वेट है वो आपका, इसमें जो आपका गोल है, आपका मकसद है इसको यूज़ करना, वज़न को बढ़ाना नहीं बल्कि हेल्दी तरीके से अपने आप को हेल्दी बनाना है, बल्कि आपका मकसद ये होना चाहिए कि इसके इस्तेमाल से आप अपने आप को हेल्दी बना रहे हैं, आप अपनी हड्डियों को मजबूत बना रहे हैं, अपनी जो सुस्ती है उसको ख़त्म करते हैं। आप लोग उल्टी चीज़ें, अगर आप लोग अपने वज़न को बढ़ाने के लिए उल्टी सीधी चीज़ें खाते हो तो वज़न उससे भी बढ़ जाएगा, लेकिन वो हेल्दी तरीके से नहीं बढ़ता, आप में ताकत नहीं आती, आप में सेहत साथ में नहीं आती, आपकी कमज़ोरियां साथ में दूर नहीं होती। ये वो ड्रिंक है जो आपको हेल्दी तरीके से वेट गेन करेगा, हेल्दी बनाएगा। जो दूसरी चीज़ें होती हैं उससे आपके बॉडी में फैट बढ़ने लगता है, ठीक है। अगर इस नुस्खे को आप लोग इस्तेमाल करते हो तो आप अपने आप को सेहतमंद भी बना सकते हैं। अगर आप ऐसे इंसान हैं कि आप डर रहे हैं कि इसको लेने से मेरा वज़न बढ़ने लगेगा, आपका फैट बढ़ जाएगा, तो यकीन मानिए इससे आपका फैट नहीं बढ़ेगा बल्कि आप दिखने में हेल्दी नज़र आएंगे, आप मोटे नहीं नज़र आएंगे बल्कि खूबसूरत नज़र आएंगे, आपका जिस्म भर जाएगा, आपका चेहरा जो है, आपकी पर्सनैलिटी है उसमें निखार आएगा।
तो मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, ये फार्मूला सर्दियों के लिए बहुत बेस्ट है। आजकल जैसे कि सर्दी का सीज़न स्टार्ट हो चुका है, तो इसीलिए आपको ये शेयर कर रहे हैं कि आप लोग सर्दी में इससे भरपूर फ़ायदा उठाइए, और क्योंकि ये सर्दियों में बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है। अगर आप गर्मी के मौसम में इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें अखरोट और बादाम है, ये थोड़े गर्म होते हैं, तो इसकी क्वान्टिटी को आप आधा कर सकते हैं। 4 अखरोट की बजाय 2 अखरोट का इस्तेमाल कर सकते हो, 10 बादाम की जगह 5 ले सकते हो, और किशमिश का 1 चम्मच इस्तेमाल कर सकते हो। ये गर्मियों के लिए है कि क्वांटिटी को आधा कर दीजिए, इससे आपके जिस्म में गर्मी की शिकायत है वो नहीं आएगी या पिंपल्स की शिकायत नहीं आएगी, तो गर्मी के मौसम में भी आप इसको इस्तेमाल कर पाएंगे। और वैसे भी आपने इसको रात को भिगो कर रखना है, तो इसलिए आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। चाहे तो आपको ये भी होगा कि हम भिगो कर रखेंगे तो सुबह तक बादाम के छिलके को उतारना होगा, तो इसमें से बादाम के छिलके आप ओबियसली निकाल कर उसको उतार लीजिएगा और बाद में कूटिएगा। चाहे तो अलग अलग थोड़े थोड़े पानी में भिगो दीजिए तीनों चीज़ों को, और बाद में इकट्ठा कूट लीजिए। तो चाहे तो इकट्ठा भिगो दे और बाद में बादाम को निकाल कर आप इसको छील लीजिएगा और फिर कूट लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे आप चाहो इसको यूज़ कर सकते हो, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, आप परेशानी के बगैर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपने हमारी इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं और पहली बार वीडियो देखी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक वक्त पर मिलती रहे और आप हमारी वीडियो फौरन देख सकें। तो मैं अब आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी, इस उम्मीद के साथ कि आप इंशाल्लाह हमें दुआ में याद रखेंगे और हमारी वीडियोस को देखते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और सबके साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ वीडियोस को शेयर कीजिएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और रोज़ाना अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन सीखते रहिए, ताकि आप अपनी सेहत को बरकरार रख सकें। अल्लाह हाफिज़।